नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। आदर्श नगर पंचायत दुद्दी के वार्ड नंबर 5 में लगा गंदगी का अंबार, ग्रामीण परेशान। सोनभद्र के आदर्श नगर पंचायत दुद्दी का दर्जा प्राप्त कस्बे के वार्ड नंबर 5 में नई सब्जी बाजार से होते हुए डिग्री कॉलेज रोड किनारे गंदगी कूड़े का अंबार पड़ा है, जिससे आसपास से रिहायशी मकानों में भी रहने वाले लोगों को गंदगी के कारण जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि इस मार्ग से कई विद्यालयों के बच्चे का आना जाना होता है, वहीं भयंकर दुर्गंध के कारण राहगीरों को संक्रमण का खतरा बना है। आए दिन लोग अनचाहे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस मामले में स्थानीय जनों ने नगर पंचायत से कई बार गंदगी के अंबार की शिकायत भी की है और साफ सफाई करने की मांग की, परंतु कई वर्षों से सफाई के नाम पर आश्वासन देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत मिशन व स्वच्छता भारत अभियान के साथ ही साथ गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के तहत मनाए गए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर दुद्दी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 5 के साफ सफाई का हवा हवाई साबित हो रहा है। कस्बा निवासी सज्जन अफसास मुर्तजा, अजीत ब्यूटी पार्लर के परिवारजन, विद्यालय जा रहे बच्चों सहित प्रबुद्ध जनों ने बदबूदार गंदगी के पटे अंबार की जल्द से जल्द सफाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सज्जन। कहाँ के रहने वाले? दुद्दी वार्ड नंबर 11। ये यहाँ पे इतना कचरा फेंका हुआ है और बहुत सारी गंदगी आ रही है इसमें, इस क्या कारण है, क्या हुआ है? सर, यहाँ पे सब चारों तरफ से कचरा फेंकते हैं। यहाँ होटल से भी कचरा आता है, इधर उधर चार दिन से रहता है। नगर पंचायत आए थे चेयरमैन साहब चुनाव से पहले, बोले थे कि हाँ का हमारा मुद्दा है, हम इसको सही कर देंगे। अब आज तक इतना दिन हो गया, साफ उफ नहीं हो रहा है, सब बीमारी उमारी पकड़ रहा है सर। यहाँ पे जब कोई कचरा लाके फेंकता है तो आप लोग पूछते नहीं, मना नहीं करते हैं? मना करते हैं, लेकिन बोलता है कि क्या करें यार, सब ऐसे ही जबरदस्ती फेंक के चले जाते हैं। तो इससे जो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये आसपास के लोगों को ग्रसित करेगी, इसका विरोध कौन करेगा? विरोध सर आप लोग करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब बोले थे कि हो जाएगा इससे ही, लेकिन अगला आज नगर पंचायत के चुनाव हुए, 2.5 वर्ष बीतने को है और अभी तक ये समस्या नहीं समाधान हुआ। हम मुद्दा उठाए थे चेयरमैन साहब से, साथ में मिलकर उठाए थे, जब नहीं चेयरमैन बने थे तभी उठाए थे। बोले थे कि हम सब सही करवा देंगे, एक बार आए और देख तक के गए, यहाँ तक नली खाली बनवाए हैं बस। क्या कारण है कि नहीं हो पा रहा, क्या रीजन है? अब ये नहीं बता सकते सर, वो खुद ही नहीं बताते, हम लोग बोलते रहते हैं कि करवा दीजिए, तो बोलते हैं करवा दीजिए। ये रास्ता तो विद्यालय कॉलेज को जाता है, यहाँ पे बच्चे आते जाते होंगे पर डे, तो ये जो बीमारी होगी तो उनसे उनको भी ग्रसित अपने उसमें ले लेगी, तो क्या मतलब इसका क्या होना चाहिए? हम लोग सर खाली आवाज़ उठा सकते हैं सर, हम लोग तो बीमार पड़ जा रहे हैं, कितना दवाई करवाते रहते हैं, कितना लोग यहाँ है सब बीमार में पड़े रहते हैं। रोड से जो भी जाता है उसको महकता है, बहुत बुरा महकता है यहाँ, इतना गंदा महकता है कि कोई रह नहीं सकता। 10 मिनट रह के आप देख लीजिए, आप भी नहीं रह पाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं वार्ड नंबर 5। ये इतना सामने कचरा फेंका हुआ है और स्मेल आ रही है, क्या कारण है? अरे यहाँ पे सब जने कचरा यहीं आगे फेंकते हैं, सब्जी मंडी प्लस बाकी सब जगह का कचरा आके यहीं फेंका रहा है, एकदम रहना दुश्वार हो गया है सामने। तो इसको लेकर के आप लोगों ने मतलब आवाज नहीं उठाई? गया कई बार कंप्लेन किया गया कि यहाँ मत फेंकिए मत फेंकिए, एक दो दिन शांत रहेंगे फिर तीसरे दिन से फेंकाना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए नगर पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? आश्वासन नहीं। क्या आपकी मांग है? मांग यह है कि ये साफ सफाई करवाया जाए, यहाँ से बदबू की वजह से एकदम घर मेरा ठीक सामने पड़ता है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसकी सोनभद्र से शक्ति पाल की एक रिपोर्ट।